यार देखो, इस बार रोडीज में एक लड़की आई दिल्ली से जिसका नाम है प्रियंका गुप्ता। भाई साहब, इस गुप्ता ने ना सबको चुपता कर दिया है। भाई क्या बोल्ड लड़की है। अब देखो यार, रिया अपने गौतम गुलाटे इन दोनों को नहीं पता लोग कैसे आते हैं ऑडिशन के लिए। इनको लगा जैसे कि डांस इंडिया डांस में आते हैं, एक बार हाथ घुमाएंगे, पैर छुएंगे, सर मैम करके चले जाते हैं। भाई यहाँ सर फिरे आते हैं, और ऐसे सर फिरों के भेंट चढ़ गए रेहा और अपने गौतम गुलाटी। गौतम गुलाटी तो प्रिंस के भी हत्थे चढ़कर मैं बता रहा हूँ, कोई ना कोई टास्क होगा जहाँ पे गौतम गुलाटी ना ऐसा पिछवाड़ा ऊपर करे पड़े रहेगा और प्रिंस मार लेगा इसकी बहुत बुरे तरीके से। अब ऐसे ही बातों बातों में बंदे तो आपको पता ही कैसे आते हैं सनकी। तो भाई रेहा को भी उसकी औकात दिखा दी, गौतम को भी उसकी औकात दिखा दी, और साथ में सोनू सूद से भी लड़ बैठे। यार एक चीज़ और मेरे को है ना, एक अंदर से महसूस हो रही है कि सोनू सूद को, रेहा को और अपने गौतम गुलाटी, इन तीनों को ही नहीं पता कि लोग कितने पागल हैं रोडीज के लिए। इनके लिए नया है, हालांकि सोनू सर करके आए हैं एक सीज़न, लेकिन वो पागलपन तभी इन्होंने महसूस नहीं किया। वो प्रिंस महसूस कर सकता है कि चिल्ला क्यों रहा है यहाँ पे, पागल क्यों बैठा है यहाँ पे, तो वो एक चाहम मिसिंग है। लेकिन भाई इस लड़की ने सबको चुप करा दिया, हालांकि इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि तीनों ने, ऐसा गौतम ने, रिया ने, प्रिंस ने भी बोल दिया था कि मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा इसको, जान दो मुझे नहीं चाहिए ये। लेकिन भाई साहब सोनू सूद ने घंटी बजा दी कि भैया ये लड़की तो रोडीज में आएगी ही आएगी, एंड अब वो चली गई है प्रिंस के गैंग के अंदर। भाई उसका दिमाग, इसका पागलपन, अल्लड़पन भाई ले बैठेगा। मैं कह रहा हूँ भाई रोडीज देखने में इस बार मज़ा आएगा, लिख के ले लो भाई, मज़ा आएगा। बाकी आप कितने एक्साइटेड हैं सीजन के लिए, डू लेट मी नो थ्रू कमेंट। बाकी मिलता हूँ आपसे जल्द, बाय बाय।